सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर में 23 व 24 अगस्त को 2 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभिन्न पदों के लिए भर्ती में प्रदेश भर के सभी जिला से करीब 361 पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के आरक्षित वर्ग श्रेणी से भरा जाना है, SC ST वर्ग से भरा जाना है। इस इंटरव्यू में BSc नॉन मेडिकल कल्याण संयोजक, JEE इलेक्ट्रिकल, VCOM अर्थशास्त्र के पदों का इंटरव्यू किए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए सभी पूर्व सैनिकों को योग्यता के आधार पर ये कॉल लेटर भेजे गए हैं। सैनिक कल्याण निदेशक हमीरपुर के ब्रिगेडियर SK वर्मा ने बताया कि दूसरे चरण की इस भर्ती में प्रदेश भर BSc नॉन मेडिकल तथा अन्य पदों पर ये इंटरव्यू किए जा रहे हैं। JEE इलेक्ट्रिकल, JCO रैंक के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसी भर्ती का परिणाम प्रदेश सरकार को भी भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। अभी आने वाली 23 और 24 तारीख को हमने पूर्व सैनिकों के लिए फिर से एक बार इंटरव्यू का आयोजन किया है। इसमें वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, जो कि सैनिक कल्याण विभाग में इनको कल्याण संयोजक के नाम से भी जाना जाता है, के लिए हमने लोगों को बुलाया हुआ है। इसके लिए रिटायर्ड JCO क्लर्क होना जरूरी है और जो भी लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको बुलाएंगे। इसके अलावा JEE इलेक्ट्रिकल और BCOM और BA इकोनॉमिक्स की क्वालिफिकेशन रखने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया है, जिनको कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या जूनियर ऑडिटर के पदों के लिए इंटरव्यू किया जाएगा। साथ ही BSc नॉन मेडिकल के लिए भी कुछ पोस्टें हैं, तो उसके लिए भी जो उम्मीदवार BSc नॉन मेडिकल थे उनको बुलाया है। टोटल उम्मीदवार 361 हैं और ये 2 दिन इंटरव्यू 23 और 24 तारीख को किया जाएगा। विभाग की तरफ से जो कॉल लेटर हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को भेजे जा रहे हैं और ये लिस्ट अभी इसी हफ्ते के अंदर हम अपने विभागीय वेबसाइट के ऊपर भी डालते हैं।